गुंबद खजरा के आए सुबह के टाइम बहरिया टाउन में अभी सूरज फजर की नमाज का टाइम है, तो अभी हम लोग आई हैं। ये मेरी पहली दफ़ा है कि मैं बहरिया टाउन में मतलब इस तरह आया हूँ मस्जिद में। अव्वल ऐसे मतलब इस तरह कभी आना हुआ ही नहीं। अभी तो जैसे एयरपोर्ट से निकले थे, तो एयरपोर्ट पे निकलने के बाद फिर फजर की नमाज का टाइम हो गया, तो फिर सब ने डिसाइड किया कि नमाज़ पढ़ ली जाए, नमाज़ पढ़ कर ही जाए। तो अभी नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग आए हैं बहरिया टाउन वाली मस्जिद में। बहरिया टाउन की सुबह फजर का वक्त, सिर्फ और सिर्फ ये फजर की नमाज़ को अदा करने के लिए जो है ना, हमारा घर से लेट निकलना हुआ था, नहीं तो अगर हम जल्दी निकलते तो ऐन मुमकिन था कि ये नमाज़ हम अपनी किसी और जगह पे जाके पढ़ते। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में मेरा पहली दफ़ा आना हुआ, तो वो भी फजर की नमाज़ के वक्त, और फ़र्ज नमाज़ जो कि बड़ी मकबूल होती है सुबह फजर की। दिन का आगाज़ मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिस दिन तुम सुबह फजर की नमाज़ को पढ़ लो तो समझ लो तुम्हारे रब ने तुम्हें एक और दिन मोहब्बत के लिए दिया। वैसे एसी तो बगैर रहने में नहीं है। देख लो मुबीन कितनी बड़ी मस्जिद है नमाजी की। क्या मदे निशानी जो उधर था ना, उधर का मॉल उधर गई था बस। बहरिया टाउन की सुबह फजर का वक्त, तो कर रही है आपके साथ आ रहा है या हम लोग हैं, तो इसको है कि शायद चाचा से बचा बचू लेंगे इसको, तो इसके चाचा ने जो उड़ उड़ के चिपड़े मार दिए ना, की हड्डी लुट पई है। सिर्फ 2 मिनट अभी फिलहाल हम लोग एयरपोर्ट से निकले थे बैरियर टाउन नमाज पढ़ने के बाद, फिर चाय का सीन है, चाय जो है वो हम लोग इधर एक पंप पे आके चाय वगैरह पी रहे हैं, सारे आए हुए हैं। रंग बिरंगी दुनिया, दोबारा ये चाय मैंने तो पीनी है, मुझे तो बड़ी बहुत स्ट्रांग थी। हम लोग पीते हैं पानी वाली चाय,
एडी जालम चाह सी ना, मैं तो इनकार ही हो गया। मैं हम हाथ को दे दी मैंने, मैं कहा पी पी। अभी यहाँ से हम लोग चल पड़े वापसी की तरफ। दीदी के लिए वो पौधे शौधे लेने थे तो उनके लिए रुके हैं, इधर गाड़ी में रखवा लिए हैं और अब इस गाड़ी में रखवा रहे हैं, क्योंकि उतनी जगह नहीं थी जितने हमें पसंद आ गए थे। लेकिन बहुत ही महंगे, बहुत ही ठगा है इस बंदे ने। तो अगर आप लोग कभी भी पौधे लेना चाहो ना, तो वैसे तो पत्तों के मैंने सुना था बड़ा सस्ता होता, लेकिन अल्लाह की कसम है इस सस्ते थानू अपने थोड़े शहरों लभ जाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भावनगर पहुंच गए हुए हैं, बस रास्ते में कुछ लम्हों का सफ़र रह गया घर की तरफ। हम लोग जा रहे हैं, हमाद वगैरह हमसे बहुत पहले आ गए थे तो वो लोग पहुंच गए हुए हैं और हम लेकिन वो यार रोलाना इतने सबकत नहीं लेना चाह रहे कि पहले तू स्कूल से तो इंदा सी ना लड़ पैंदा सी, तू पहले नंबर क्यों लेते हैं? वो ना अब खाना खा के आते थे ना जिस गली से, तो अभी आवर टूटी हुई थी। अब आज जब इस गली में से गुजरा ना गिरते गिरते हम चले, मैं कहता हूँ तू बड़ा तेज है, चलो चलो जाना चलो वो मुनव्वर ना मुनव्वर स्लिप होने लगा। ठीक है, मैंने तो फिर मुनव्वर को चिढ़ा, मैं क्या भैन जी जाके एक्शन करना सी तुम्हारे बच्चे आगे, देख रही थी ना ये नीचे ना गिर जाए। स्माइल पास कर रहे हैं ना आज उन्हें दांत पूरे छिड़ के दे अगर उसदैफा कह रहा हूँ उसदैफा सारी रात रहा यार बाप, अगर तू पीर होता, अगर तेरे पास कोई बंदा आके कहता पीर साहब कोई ऐसा वजीफा दसो खाब से मेरे कोल मेरी जानू मानू आ जाए तू वजीफा की दस, तू वजीफा कट लू गाना लेके देना सी आ जाओ आ सजड़ा सोया अल्लाह दे वधिया पता लगे कोई तेन दो बाण के तू नशे च उन्हू चार दे नुकसान ना हो जाए घाटा ना हो जाए देख ले क्या। हाँ इसके अबू पता ही कहते इसके अबू को किसी ने बता दिया, हाँ वहाँ बात ही अंकल ने की कि वो फलाना बदला लेके गया था डंडे सिगरेट के, पाकिस्तानी एक डंडा सिर्फ 5,000 का बेचा है इसका पांडी लेकर गया था पांडी। इसके अबू ने माशाल्लाह से फौरन कैलकुलेट किया, कहता फिर तो हम तो ले जाएंगे कोई यहाँ से 8-10 वहाँ मैं को कहता मैं कहा पता लगे इन उम्रे से पैसे नहीं लग रहे जिन्हें छुड़ान चला कर रहे बड़ा से अगो उसका कहता उधर हाथ भी काट देते हैं कहता है वो क्यों, कहता वहाँ आराम है वहाँ इस चीज़ में बंदी है, कहता अच्छा कहते अंकल लगकर कहते एक आता मतलब ले आता वो भी अपने लिए चुप चुप के पीना आता है, कहता अच्छा
कहता नहीं मतलब आज कारोबार कर ले। अब अंकल कहते तेरी उत्थे भी कारोबार वाली सोच ही है। पांडे ने बेचे है ना, तीन निकल गया था। हां तो बेचे है उसने दो 5,000 रुपए के दिए दिए, 700 दे तो लगे गए। उधर एक बंदे को 2 लाउंड मेरे ख्याल है मूवी भाई जान। उधर 17 रियाल की डब्बी थी ठीक है, सिगरेट की 1 रियाल की एक सिगरेट थी मेरे सामने बंदे ने ली। इंदी भी बेगम का कह दो नहीं मैंने से कहा अंदर से कहा, मैंने अंदर से कहा मैंने कहा तू ना अंदर से ट्राली बनवा दे। ओके ओके साहिब भाई, वैसे तो मिलना नहीं। साहिब भाई वगैरह बस सब वापस जा रहे हैं। ओके ओके एक मेहमान के।